नोएडा के 20 थाना क्षेत्र के सेक्टर 14 ए में दिल्ली यूपी बॉर्डर पर शनि मंदिर के पास लगभग 10:30 बजे चेकिंग के दौरान कार में सवार 3 संदिग्ध आते हुए दिखाई दिए। पुलिस ने इन्हें रुकने का इशारा किया तो भागने लगे। इसी दौरान पुलिस ने कुछ दूरी पर जाते हुए उन पर जवाबी फायरिंग की तो राजेंद्र अल्मोड़ा उत्तराखंड निवासी के पैर में गोली लग गई, जबकि 2 अन्य इसके साथी सुनील निवासी हाथरस और विपिन निवासी न्यू अशोक नगर दिल्ली को पुलिस ने गिरफ्तार कर लिया। इनके पास से एक होंडा सिटी कार, एक पिस्टल, 2 तमंचे, मोबाइल, 1.5 दर्जन जिंदा कारतूस बरामद किए गए। नोएडा से ये थी राहुल देव की रिपोर्ट। We'll be right back.